आज 50th शीट है, तो लो फिर सेलिब्रेशन क्यूब के साथ करेंगे, और क्यूब के क्वेश्चन कैसे करने हैं, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे खत्म होती है। और अभी दो यूनिट हुए हैं पूरे, नहीं 50वीं शीट है, अंदाजा लगा सकते हो अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। ठीक, तो क्यूब के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, जितने भी शीट्स मैंने आपको दी, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 50 का प्रिंट आउट ले हैंड रिटन। तो क्यूब के केस में ऐसा गिवन होगा कि आपके पास ना स्केलेटन गिवन होगा तारों का, और इसमें हर वायर की रेजिस्टेंस आर होगी, स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है जब एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं ए और एफ के बीच में, यानी कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए और एफ के बीच में डायगोनली ऑपोजिट जो पॉइंट्स हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ना कोई सीरीज में ना कोई पैरेलल में, तो इसके लिए आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी और किरचॉफ लॉ यूज करना पड़ेगा। तो हेडिंग लिखो यहां पे, सॉरी लिखो मेथड नंबर वन। इस पूरी शीट में सिर्फ दो ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, पर वो तीन मेथड से सॉल्व हुए हैं, तो टोटल छह मेथड है। तो मर्जी है, कई लोगों ने मना ही कर दिया कि सर बहुत है इतना ही ठीक है, एक आध तो एक दो में ही निपटा दिया काम, जरूरत ही नहीं पड़ी तीसरे की। बट मैंने पूरा नोट किया हुआ है कि मेथड नंबर वन से सॉल्व करेंगे पहले, जो आपको पसंद है आप कर लेना। मेथड नंबर वन में सपोज इस बैटरी ने आई करंट यहां पर इंट्रोड्यूस किया, तीन ब्रांचेस में आई करंट स्प्लिट हो जाएगा। अब इक्वल होगा या अनइक्वल होगा वो डिसाइड कैसे करना है। यहां पे करंट ने जाना कहां पर है, एंड में एफ पे। जो करंट यहां से जा रहा है उसके रास्ते में कम तीन आर रेजिस्टेंस आ रही है, आर प्लस आर प्लस आर। जो यहां से जा रहा है आर प्लस आर प्लस आर, जो यहां से आ रहा है आर प्लस आर प्लस आर। तो चाहे जिस मर्जी रास्ते से चले जाओ रेजिस्टेंस थ्री आर ई आनी है। तो उस केस में करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और अगर एक में रेजिस्टेंस आर हो रही हो आर आ रही होती, किसी में फोर आर किसी में सिक्स आर, तो फिर अनइक्वल डिवाइड हो जाता आई वन आई टू आई थ्री। पर क्योंकि डायगनली ऑपोजिट सिमिट्री में है, तो डायगनल ऑपोजिट जो क्वेश्चन है सिमिट्री में होता है, तो करंट यहां पर बिल्कुल बराबर डिवाइड हो जाएगा आई बाई थ्री और आई बाई थ्री। फिर आई बाई थ्री करंट आया, फिर दो ब्रांचेस में स्प्लिट होगा। इस करंट को यहां से स्प्लिट होके जाना कहां पर है, यहां पर। अब चाहे इस रास्ते से जाओ 2R, इस रास्ते से जाओ 2R, तो यानी कि करंट फिर से इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दो रास्तों में रेजिस्टेंस ऑफर्ड सेम ही है। तो I by 3 के दो हिस्से हो गए I by 6 एंड I by 6। ऐसे इस I by 3 के भी दो हिस्से हो गए I by 6 I by 6। ऐसे इस I by 3 के दो हिस्से हो गए I by 6 I by 6। इधर से I by 6 मिला के I by 3, इधर से I by 6 मिला के I by 3, और ऐसे यहां से I by 6 मिला के I by 3। तो जो डिवीजन यहां पे हुई थी I by 3 I by 3 I by 3, वही डिवीजन यहां पे दिख रही है I by 3 I by 3 और I by 3। मेरी करंट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है, क्लियर यहां तक। तो ये करने के बाद आप ये कहेंगे कि मान लेते हैं कि हमने पूरे क्यूब को सॉल्व कर दिया और टोटल रेजिस्टेंस पूरे क्यूब की कैपिटल R आ गई, और करंट इसमें कितना गया था I, तो इसके लिए वी कैन अप्लाई E इज इक्वल टू I इनटू कैपिटल R। एक इक्वेशन तो बन गई, और फिर एक और काम करेंगे, आप इस पूरे क्यूब में कोई भी एक लूप लेंगे जिसमें बैटरी आती है, जिसमें ये लिया हुआ है एक दो तीन और ये लूप, इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाएं, सेकेंड लॉ लगा के ये E की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ I। तो E की वैल्यू दो तरीके से निकालनी है, एक किरचॉफ लॉ से छोटे R की फॉर्म में, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R की फॉर्म में। इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, I से I कैंसल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई कितनी 5/6R। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे आएगी। तो इक्वेट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। होप आपको मेथड बहुत पसंद आया होगा और आंसर आ गया ठीक। जिनको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, लिखें अगले पेज पे मेथड नंबर टू। मेथड टू क्यूब के लिए तो सीखे ना सीखे, लेकिन मेथड टू वैसे जरूर सीख लें, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। बढ़िया मेथड है जिसने भी ये सिखाया है, जिसने बनाया है, जिसने ट्राई किया है। ये नॉर्मल बुक्स में तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन मैंने यूट्यूब पे एक बंदा सॉल्व कर रहा था, उसका मेथड चूज किया और मुझे बहुत सही लगा उसका ये मेथड। तो
उसने क्या किया, या अब हम क्या करेंगे सेकंड मेथड में, कि मान लो सेम क्वेश्चन है और एक बैटरी उसने कनेक्ट कर दी। वो कह रहा है बैटरी की कोई भी ईएमएफ ले लो अपने मन से, मान लो 100 वोल्ट ले लिया। अब वो कहता है कि अगर ये प्लस टर्मिनल 100 वोल्ट पे है, मान लो माइनस टर्मिनल 0 वोल्ट पे है, तो अगर ये 100 वोल्ट पे है तो ये भी 100 वोल्ट पे है, अगर ये 0 वोल्ट पे है तो ये भी 0 वोल्ट पे है। ठीक हो गया। तो वो कहता है कि करंट यहां पर आई करंट जो आएगा वो तीन हिस्सों में बराबर डिवाइड हो जाएगा, I1 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 या I/3 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 कुछ भी ले लो, और रिसीविंग एंड पर भी I1 I1 और I1 ही रहेगा। ठीक हो गया। यहां तक जो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो यहां पर इकट्ठा होगा। फिर वो ये कहते हैं कि चलो मान लेते हैं कि यहां पर I1 करंट आ रहा है और ये 0 वोल्ट है, मुझे पता नहीं यहां कितने वोल्ट है, मान लो x वोल्ट है, ठीक x वोल्ट है, कुछ भी x वोल्ट है। तो वो ये कहता है कि इस ब्रांच में करंट I1 दिख रहा है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस 0। तो जहां जहां आपको I1 करंट दिखेगा वहां वहां पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू x माइनस 0, यानी कि x। जिस भी ब्रांच में I1 दिखेगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस x ही होना चाहिए। जैसे यहां पर x दिख रहा है, जैसे इसमें I1 करंट है, ये 0 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, x। जैसे कि इसमें I1 करंट है, ये 100 है, तो इसको होना पड़ेगा 100 माइनस x। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ x। तो अगर ये 100 है, इसको होना पड़ेगा 100 माइनस x, क्योंकि माइनस करेंगे तो आंसर x आएगा, इसे भी 100 माइनस x, तो ताकि आंसर x आएगा। तो उसने कुछ पोटेंशियल्स निकाल लिया यहां पर x की फॉर्म में। ये पॉइंट समझ में आए पोटेंशियल्स के, कोमल? अगर ये 0 है, ये 100 है, उसने कहा इसको x मान लेते हैं, तो इस ब्रांच में जहां I1 करंट है वहां पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 x है, तो इसमें भी कहता है x होना चाहिए। जहां जहां I1 करंट है वहां पोटेंशियल डिफरेंस x, और वो कब होगा, ये 0 है तो ये x है, x माइनस 0 x, इसको x होना पड़ेगा। ऐसे यहां पर I1 है तो इसको x होना पड़ेगा, तभी तो x माइनस 0 x आएगा ना। समझ आया यहां तक? क्लियर है कि जिसमें आपको I1 करंट दिख रहा है ना, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने यहां x एज्यूम किया, तो हर वायर में x ही आना चाहिए। ठीक। तो अगर इसमें x आ रहा है, तो देखो इसमें x लाने के लिए आपने इसको x लिखना पड़ेगा, ताकि x माइनस 0 x आ गया। अगर ये I1 है तो इसको x लिखना पड़ेगा, x माइनस 0 x आ गया। इसमें I1 आ रहा है, तो इसको भी x करने के लिए, अगर ये 100 है, इसको 100 माइनस x लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100 माइनस x विल गिव x। तो ऐसे यहां पर भी 100 माइनस। तो ये कुछ पॉइंट्स निकाल लिए हमने, चाहिए ही नहीं अभी, जहां जाइए बस वही लेंगे, जरूरी नहीं कि पूरे उसमें सॉल्व करना है। आगे देखते जाओ वो क्या करता है, चाहिए होंगे तो बना भी लेंगे, वो भी करके दिखा दूंगा, 2 मिनट रुको। यहां तक क्लियर है? अब वो ये कह रहा है कि सपोज जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल बैटरी की ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल करंट आई है, टोटल बैटरी की ईएमएफ टोटल करंट आई है, टोटल बैटरी की ईएमएफ 100 अपॉन आई की जगह 3 I1, क्योंकि करंट को हमने I1 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 में डिवाइड किया था 3 I1। अब एक काम करते हैं, I1 की वैल्यू कहीं से भी निकाल लो, यहां से निकाल लें। I1 की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो इसमें कितना है, x माइनस 0, और रेजिस्टेंस हर वायर की कितनी है, R। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ R। क्लियर। अब वो कहता है एक काम करते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो जंक्शन, जहां जंक्शन है। कोई भी पॉइंट का मतलब आप जी पॉइंट ले लो, आप ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, जहां मर्जी ले लो। मैंने इसमें सी लिया, कोई भी, मेरे को जंक्शन लॉ लगाना है। देखो जंक्शन लॉ क्या बोलता है, ध्यान रखे, इनकमिंग करंट का सम इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम। यानी कि यहां पर दिस करंट प्लस दिस करंट विल गिव दिस करंट, दिस प्लस दिस एड होके ये आएगा। ठीक। तो ये करंट क्या आएगा, ये करंट पोटेंशियल डिफरेंस दिस माइनस दिस अपॉन रेजिस्टर आर। ये कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टर आर, और ये कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टर आर। तो सी पॉइंट के लिए मैंने ये पॉइंट नीचे लिखा, जैसे ही मैंने लिखा इनकमिंग करंट का सम इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सॉल्व करके एक्स आ गया। ठीक। ये जो एक्स आ गया, इसको उठा के यहां पुट कर दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, और कमाल की बात है आंसर एग्जैक्टली वही आ गया जो
मेथड नंबर वन में आया। इसका मेथड चाहे आपको पसंद आए या ना आए, पर टेक्निक जबरदस्त निकाली उसने, कमाल की टेक्निक है। और मैं आपको वैसे बताऊं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये टेक्निक सबसे बढ़िया टेक्निक है। पागल हो जाओगे किरचॉफ लॉ के अंदर, तो बाहर नहीं आ पाओगे, ऐसा जाल है किरचॉफ लॉ। जो गया वो वापस कम ही आया उसके अंदर। किरचॉफ लॉ के ऊपर बहुत कम चांस है क्वेश्चन आने का, वो अलग बात है। इस साल एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन अपने 3 नंबर का बोर्ड में डाल दिया, तभी तो अखबार में आ रहा था। पेपर कैसा डाल दिया, बड़ा बेकार पेपर डाला। ये कोई पेपर डाला, किसी ने डाला, शुरू में बोला था ना, क्योंकि उसको पोटेंशियोमीटर नहीं डाला, उसने स्लाइड वायर ब्रिज नहीं डाली, उसने ड्रिफ्ट नहीं डाला, उसने कुछ नहीं डाला, उसने क्यूब का क्वेश्चन डाला, तभी तो इस बार पेपर इतना बेकार बना। देखो, अगर किसी को और इच्छा है मेथड नंबर 3 से सॉल्व करने की, तो मैं आज ना वीडियो ही अपलोड कर दूंगा, वो घर जाके रात को आराम से देख ले। इस टाइप का मेथड मैंने यूज तो किया है, पर मैं खुद इसको रिकमेंड नहीं करता यार, इसको खोलेगा कौन क्यूब को इस तरीके से, लंबा काम है। मेरे ख्याल से वो मेथड सफिशियंट है, इसको छोड़ देना चाहिए, पर कैन बी सॉल्व, सॉल्व हो सकता है, करेंगे नहीं, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये नया क्वेश्चन है क्यूब का। क्वेश्चन नंबर 2, पहले अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ है, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इस बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा हाँ, एक और बात, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, इसको याद ही कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में भी देखे मैंने क्वेश्चन, पता लगे क्यूब का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने बैठ गए, तो बस जो 5 by 5 R/6 डर हो गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और उसी इसका यही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन, ये सबसे आसान तरीका है। और ऐसी जो नेक्स्ट है क्यूब का क्वेश्चन, इस बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस में निकालनी है, ए और बी में, और मैंने क्या कनेक्ट की, बैटरी ए और बी में। इंपॉर्टेंट है, इधर देखो, अगर आई करंट यहां से आया, आई करंट को कहां जाना है, बी पे। अब 3 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाएगा, एक रास्ता ये सबसे छोटा आर, यहां से सबसे छोटा रास्ता 3R का, यहां से 3R का, तो इनमें करंट बराबर डिवाइड होगा, क्योंकि रास्ता 3R 3R का है, इसमें अलग होगा, तो इसमें I1, इसमें I2। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो देखो ना, करंट जो है वो रेजिस्टेंस अगर कम है तो ज्यादा करंट है, ज्यादा है तो कम करंट है, तो इसमें तो बराबर रास्ता पड़ रहा है, यहाँ पे इसमें ये छोटा है, तो इसमें अलग करो, इन दोनों में बराबर करो, तो I2 करंट आया, I2 में से I3 इधर गया, तो I2 - I3 इधर आया, ऐसे यहां से I2 आया, I2 में से I3 इधर गया, I2 - I3 इधर गया, इधर से I2 - I3 आ रहा है, इधर से I2 - I3 आ रहा है, दोनों मिल गए, ये टोटल हो गया, इधर से 2 × I2 - I3 आ रहा है, फिर स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि करंट को जाना बी पे है, जिस मर्जी रास्ते से चले जाओ करंट बराबर जाएगा, तो ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा इसमें, इधर से I2 - I3 है, इधर से I3 है, दोनों ऐड करेंगे तो I2 आएगा,
फिर इधर से आई टू माइनस आई थ्री है, इधर से आई टू है, ये आई वन है, और ऐसे ये आई थ्री है, और यहां से क्या आएगा आई टू, वो क्यों आई थ्री, और आई टू माइनस आई थ्री मिल जाएंगे तो टोटल इज आई टू। तो जैसे यहां पर डिवाइड हुआ था वैसे यहां पर रिसीव हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करने के बाद आगे, अभी तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, फिर आपने ना आराम से लूप्स लेनी है, लूप ई एफ जी आई लेनी है, फिर ये नेमिंग दो तीन लूप्स लेके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर याद करना है कितना होगा 7/12 स्मॉल आर। मेरे से कहोगे सर अभी आप सॉल्व कर दोगे तो 10-15 मिनट तो मेरे से लग ही जाएंगे इसको सॉल्व करने में, तो मैं आपसे तो क्या ही कहूंगा इसको सॉल्व करो। तो बिल्कुल भी मत देखना इन इक्वेशंस को, तो रीड भी नहीं करना, छोड़ देना है, आंसर इसका देख लो कितना है 7r/12। क्लियर है? फिर भी जिनको करना है, नहीं कहीं होते हैं मुझे करना ही करना है, मेथड नंबर टू से करो, बहुत बढ़िया मेथड है, छोटा मेथड है। मेथड नंबर टू में ये रहा मेथड नंबर टू, यहां लिखो, एक्चुअली 5 नंबर पेज में ना क्वेश्चन चेंज हो गया, 5 नंबर पेज पे ये अलग क्वेश्चन है, इसको ना यहां और यहां से कनेक्ट किया बैटरी को, ये क्वेश्चन चेंज हो गया ना, हमने तो यहां कनेक्ट किया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिख लेना, गलती से इसका सीक्वेंस गलत हो गया, इसके ऊपर लिखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। जो हम कर रहे हैं वो अगली शीट पे है, मेथड नंबर क्या लिखेंगे यहां पर, मेथड नंबर 2, ये क्वेश्चन है, जब बैटरी किस में कनेक्टेड है, ए और बी में कनेक्टेड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7r/12। आंसर मत भूल जाना यार, मेथड तो किसने पूछा, 7r/12 बोला मैंने, यही है, ठीक है। और अगर ये भी सुन लो ऊपर वाले क्वेश्चन में, अगर बैटरी कहां कनेक्टेड हुई, ए और सी, नीचे कनेक्टेड हुई, इसका आंसर भी रिमेंबर कर लो कितना आ रहा है, 3r/12। ये 3 याद कर लेना, जहां मर्जी कनेक्ट हो जाए आंसर तो कम से कम पता ही होगा ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, देखे हैं मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर मार्क करते हुए क्वेश्चन। अब करना कैसे मैं बता देता हूं, करने के लिए ये देखो, इमेजिन कर लो, फिर वही ये टेक्निक सही लगती है मुझे, 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 100 है और ये 0 है, अगर ये 100 है तो ये भी 100 है, अगर ये 0 है तो ये भी 0 है। अब करंट इसमें सेम जाएगा, I2 इसमें अलग जाएगा I1, रिसीविंग एंड पर भी सेम होगा I2 और रिसीव क्या होगा I1, ठीक है यहां तक। अब इमेजिन कर लेते हैं कि जिस ब्रांच में I2 करंट है और ये 0 वोल्ट है, इमेजिन कर लेते हैं कि यहां का पोटेंशियल x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर x है तो जिस ब्रांच में I2 करंट दिखेगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 यानी कि x बनाना है, यहां पर यानी कि x है, ये भी I2 दिख रहा है, तो अगर ये 0 है तो ये भी x है, ये मुझे I2 दिख रहा है, तो अगर ये 100 है तो 100 माइनस x है, ये मुझे I2 दिख रहा है तो 100 है तो 100 माइनस x है, तो कम से कम I2 का सॉल्यूशन तो हो गया। अब बात करते हैं बाकी, इमेजिन कर लेते हैं किसी और पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट y है, अगर ये पॉइंट y है जिसमें जिसमें कि करंट सपोज कितना आ रहा है I3 आ रहा है, अगर इसमें I3 है तो इधर भी I3 जा रहा है, सच दैट कि अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस y माइनस एक्स है तो इसमें भी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए y माइनस एक्स, तो इसलिए इसको क्या बनाना पड़ेगा 100 माइनस y, ताकि इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा y माइनस x, मतलब आपने सिमेट्रीज को देखना है, जो लेफ्ट में हो रहा है वो राइट में भी हो रहा है, तो इस तरीके से आपने हर पॉइंट के पोटेंशियल को ड्रॉ कर लेना है। अब आगे क्या करना है आपने, आगे आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इज 100 डिवाइडेड बाय टोटल करंट आए, ये स्टेप लिखा, फिर आपने कोई एक जंक्शन पकड़ना है, जंक्शन कैसे, जैसे कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 100 डिवाइडेड बाय आई, और आई को कैसे स्प्लिट किया था हमने I1 और 2 टाइम्स I2 में, ये रूल था आर इक्विवेलेंट का। सी जंक्शन को पकड़ लिया मैंने, सी जंक्शन और ऐसी जी जंक्शन कोई भी पकड़ लो, कोई फर्क नहीं है, जैसे सी जंक्शन है, सी कहां पर है, ए बी सी, सी जंक्शन ये रहा, इसमें इनकमिंग करंट ये रहा, ये भी इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इधर इनकमिंग करंट इज आउटगोइंग, तो इनकमिंग करंट कितना है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, इसमें कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, इसमें कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, तो एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, इसमें चेक कर लो सी जंक्शन की, ये इक्वेशन मैंने तैयार कर दी,
एक्स और वाई में रिलेशन आ गया। ऐसी वो कह रहे हैं एक कोई भी और जंक्शन पकड़ लो, जैसे कि जी जी जंक्शन पकड़ लो, जी जंक्शन पकड़ लेते हैं। चलो ये रहा जी के ऊपर इनकमिंग करंट, ये रहा इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट्स। तो इसका करंट क्या होगा, दिस माइनस दिस बाय आर। इसका करंट क्या होगा, दिस माइनस दिस बाय आर। इसका क्या होगा, दिस माइनस दिस बाय आर। तो एक और इक्वेशन आ गई जी जंक्शन पर, एक्स और वाई की दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई आ गया। अब एक बार अगर आपके पास एक्स आ गया तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आई वन और टू टाइम्स आई टू। जिस भी ब्रांच में आपको आई वन आई टू दिखता हो, कोई मर्जी ब्रांच ले लो, क्योंकि एक्स और वाई तो आ चुका है। एक्स और वाई आ गया तो करंट्स कैन बी कैलकुलेटेड। आई वन आई टू की करंट को नीचे वैल्यू पुट करोगे, आंसर आएगा। आंसर याद हो गया, बस इससे बढ़िया सोल्यूशन कोई भी नहीं है। ठीक है, ये तो इमरजेंसी के लिए मैंने आपको बता दिया। बाई चांस अगर आपके पेपर में भी करने को आ जाए, कुछ तो लिखने के लिए होगा, आपके पास आइडिया तो होगा कि करना क्या है। एंड में तो आंसर आप फिट इन कर ही दोगे, इसमें क्या करना है। नहीं, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कर सको तो बड़ी अच्छी बात है, पर अगर ना कर सको तो कम से कम तीन में तीन नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, आते तो बोर्ड में भी नहीं है, पर आते नहीं थे बोर्ड में पहले, इस बार आ गया। तो आपको आंसर मैंने बता दिए, तीन आंसर है, तीन आंसर बस याद जरूर कर जाना, बस इतना सा काम कर लेना। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ध्यान आगे प्लीज, लास्ट क्वेश्चन प्लीज साइलेंस। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको वो टेक्निक सिखाई ना मेथड नंबर टू वाली, पॉइंट्स के पोटेंशियल, बहुत जबरदस्त टेक्निक है, उसके बेस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे, इन अ गिवन फिगर एम मीटर A1, A1 की रीडिंग गिवन है 10 मिली एम्पियर, वोल्ट मीटर रीड्स 3 वोल्ट, एक और एम मीटर है, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है और 4 वोल्ट की बैटरी है, आपको बताना है कि ये कितनी रीडिंग देगा। अगर ये 4 वोल्ट है तो प्लस टर्मिनल 4 वोल्ट और नेगेटिव 0 वोल्ट, ये 0 तो ये 0, ये 4 तो ये 4, ये समझ में आ गया। अब क्योंकि इसकी रीडिंग 3 वोल्ट है तो इसको 1 वोल्ट होना पड़ेगा, क्योंकि 4 में से 1 गया तो क्या आया 3 वोल्ट, तो ये 1 वोल्ट हो गया। ये 1 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, और करंट की रीडिंग इसमें गिवन है 10 मिली एम्पियर, तो ओम लॉ लगाएं, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू आई टाइम्स आर, तो आर कैन बी कैलकुलेटेड। तो आप चेक करो नीचे, सबसे पहले मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, क्लियर है यहां तक। आर आ गया, इसका मतलब इसका आर आ गया तो इसका आर भी आ गया। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, V1 चाहिए। यहां का पोटेंशियल मान लो कितना है, V1 है। एक काम करो, करंट यहां से आया, जो करंट यहां से आया वो राइट और ऊपर चला गया, तो यहां करंट की वैल्यू बोलो क्या होगी, 4 माइनस V1 बाय 100। यहां पे बोलो क्या होगी, V1 माइनस 1 बाय R। यहां पे क्या होगी, V1 माइनस 0 बाय 100। तो आप ये जंक्शन, ये इक्वेशन बनाओ पोटेंशियल्स की, और R की वैल्यू को यहां पुट करके क्या निकाल सकते हो, V1 निकाल सकते हो। तो आपके पास V1 आ गया, बस अब आपके पास V1 आ गया, ये आपको पता है, R आपको पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज I इनटू R से करंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस टाइप से ये पोटेंशियल की टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी काम छोटे क्वेश्चन में आ जाती है, नहीं तो लगे रहो किरचॉफ लॉ बना बना के सॉल्व करने, कौन करेगा किरचॉफ लॉ।